हाय, वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार, आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, कि हम लोग कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में सपोर्ट पे बाई कर सकते हैं और रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका और सबसे आसान तरीका पे आज बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपकी सारी की सारी जानकारी मिल सके। और फिर वीडियो शुरू करने से पहले करता हूँ छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर हमारा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को भी क्लिक करना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप सिंगल प्रॉफिट बना सके। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैं बात किया कि आज जो बात करेंगे, इसे बात करेंगे कि हम लोग सपोर्ट पे बाई कैसे कर सकते हैं और रेजिस्टेंस पे सेल कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप देखिए सपोर्ट है, तो आप ऐसे ऐसे पे यहाँ पे बाई करके, यहाँ पे बाई करके इतना अच्छा प्रॉफिट एक दिन में आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो आज इसी पे बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले हम इस पे जानते हैं, जिसे आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस था। तो कैसे इसको पिक करें कि कौन सा सपोर्ट या कौन सा रेजिस्टेंस अच्छा है, अच्छा काम करेगा, और आप उस पे विश्वास करके आप वहाँ पे जो है बाय या सेल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे के चार्ट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं जो हम लोग को इंडिकेटर लेनी है, क्या लेनी है, सारी चीजें यहाँ पे होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हम लोग दो इंडिकेटर लेके रखे हैं वो आप देख पा रहे हैं, वो है आपका RSI और स्टोकेस्टिक RSI। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं करना है। अब इस पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। अब मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, थोड़ा सा उस पे बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, राइट, मान लेते हैं कि यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेल इसलिए किया जा रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो ये यहाँ पे इसको एक बार रेजिस्टेंस लगाया था, राइट, थोड़ा सा और पीछे अगर देखेंगे तो और पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया है, तो ये इसके लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस है, इसके लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस है, राइट। आप थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात यह है कि आप इसको कैसे यहाँ पे बाई या सेलिंग की जा सकती है, थोड़ा सा समझिएगा। तो जैसे कि ये आपका देख पा रहे हैं कि ये आपको यहाँ पे मैंने सेल दिया है, मैंने यहाँ पे सेल नहीं दिया है, थोड़ा सा समझिएगा क्या क्या लॉजिक है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं बिना लॉजिक के बात ही नहीं करता, मैं बिना लॉजिक का कुछ भी नहीं बात करता फ्रेंड्स, कि इसका ब्रेक करेगा ये हो जाएगा, इसका ब्रेक करेगा ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि सिर्फ इसका हाई ब्रेक करेगा या इसका लो ब्रेक करेगा तो सिर्फ से ऊपर या नीचे जाएगा, इसके पीछे हम लोग जो है लॉजिक लगाएंगे, इसके पीछे जब हम लोग लॉजिक लगा के काम करेंगे तो बिल्कुल भी हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम लोग बाय या सेल करने का जो निर्णय लिए कि हम लोग को सेल करना है, क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, राइट, आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, पहला रीजन। दूसरा रीजन फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि ए आपको यहाँ पे क्या रहा बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है डाइवर्जेंस। आप थोड़ा सा डाइवर्जेंस अगर नहीं समझे हैं तो समझ लीजिएगा, मैं उसका प्लेलिस्ट अलग बना दिया हूँ। तो ए क्या बना रहा था, डाइवर्जेंस, और वहां पे जाके इस तरीका का रिवर्सल कैंडल बनना, तो यहाँ पे हम लोग के सेल कर सकते हैं। तो ये आपका सबसे सिंपल और सबसे अच्छा तरीका से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है या ये जो सपोर्ट है ये कितना हम लोग के लिए काम करेगा या नहीं करेगा। बात आती है कि यहाँ पे सेल क्यों नहीं किए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेलिंग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ऑलमोस्ट ये लगभग 3 बज चुका है। तो 3 बजने के बाद मैं बोलता हूँ, आप देखिए यहाँ से कितना बज रहा है, बिल्कुल 3:15 हो चुका है, तो यहाँ पे सेल नहीं करना है। हम लोग को सेल कहाँ पे करनी है, देखिए यहाँ पे हम लोग को सेल कहाँ पे करनी है, यहाँ पे करनी है। आप बताइए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे सेल क्यों करना है, अब थोड़ा सा समझिएगा। तो यहाँ पे सेल इसलिए करना है फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो ए इसके लिए भी यहाँ भी रेजिस्टेंस था, और दूसरी रीजन ये था कि ए फ्रेंड्स ए पूरा पूरा डाइवर्जेंस बना रहा था, पूरा पूरा डाइवर्जेंस बना रहा था, तो इसलिए भी यहाँ पे सेल किया जा सकता है। और एक रीजन फ्रेंड्स और, कि आप स्टोकेस्टिक RSI को भी देखिएगा, ये भी अगर ऊपर से सेल दे रहा हो तो ज्यादा बेहतर आपको सिग्नल मिलेगा। और फ्रेंड देखिए कितना अच्छा से वहां से मार्केट सीधा सीधा नीचे गिर गया,
अब देखिए कितना, इसी को ना बोलते हैं कि इंट्राडे जैकपॉट हो गया, कुछ ही घंटों में आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, तो इस तरीका से जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, आप थोड़ा सा यहां पे देखिए, मैं इसको यहां पे लाता हूं, राइट, मैं इसको यहां पे ला दिया। मैं किसका बात कर रहा हूं, यहां की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा मैं कहां की बात कर रहा हूं, मैं यहां की बात कर रहा हूं, राइट, यहां की मैं बात कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं थोड़ा सा समझिएगा। अब इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि फ्रेंड्स आप देखेंगे तो पहले प्राइस इस लेवल पे था, राइट, और इस लेवल से प्राइस पहले आरएसआई यहां था, आरएसआई चला गया कहां पे, आरएसआई और डाउन चला गया, प्राइस तो उसी लेवल पे रह गया। यानी कि ये भी एक डाइवर्जेंस है जिसको हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं। ये सारी की सारी चीजें फ्रेंड्स हम अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में बात करते हैं, तो वहां पे जाके ये सारी चीजें उसको ज्वाइन करके सारी की सारी चीजें सीख सकते हैं और आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और आप देखिए कि कितना अच्छा यहाँ पे, आप देखिए एक बार प्राइस यहाँ से घूम के आया था, यानी कि ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस जो जाके किस में बदल गया, सपोर्ट में बदल गया, और सपोर्ट जो बनता है इसको बोलते हैं चेंज इन पोलैरिटी, तो इसमें भी आप हम लोग को बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है। तो इस तरीका से आप इसको करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका एक छोटा सा, मैं बता रहा हूँ ये कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा एक पार्ट है हम लोगों का कि किस तरीका से हम लोग सपोर्ट पे बाई कर सकते हैं और रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं। तो अगर आप ये सारी चीजों को अपनाएंगे तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप प्रॉफिट बना पाएंगे। ठीक है, मैं और आपको कहीं दिखाता हूं, आपको देखिए मैं आपको बहुत तो ऐसा दिखा सकता हूं, ठीक है, कि कहां पे सपोर्ट था, कहां पे रेजिस्टेंस था। आप यहां पे भी सेल कर सकते थे, आप यहां पे भी सेल कर सकते थे, बिल्कुल सेल कर सकते थे यहां पे। अब यहां पे सेल किस लिए कर सकते थे थोड़ा सा समझिएगा। अब यहां पे सेल इसलिए करना है क्योंकि आपको यह दिख रहा है, देखिए यहां पे आप, मैं जहां पे दिखा रहा हूं आप वहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं यहां की बात कर रहा हूं, राइट, यहां पे देखिए प्राइस कितना अच्छा से क्या लिया था, सपोर्ट ले रहा था, नीचे नहीं आ रहा था, फिर इसको ब्रेक करके नीचे आया, राइट। हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट पे सेल करने की, हम इस पॉइंट पे सेल करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो आपका सपोर्ट था, नीचे आया, फिर जाके क्या लगा रहा है, यहां पे रेजिस्टेंस लगा रहा है, और वहां पे आपको दिख रहा है क्या, डाइवर्जेंस, क्योंकि प्राइस इससे ऊपर गया है, डाइवर्जेंस दिख रहा है आपका, स्टोकेस्टिक आरएसआई भी सेल दे रहा है, आप यहां पे बिल्कुल सेल कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल है आपका कि किस तरीका से बाइंग और सेलिंग करनी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। जैसे आप देखिए, आप यहां पे देखिए, जैसे मैं यहां पे लाता हूं, आप फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो आपको यहां पे भी एज ए सपोर्ट दिख रहा है और यहां पे स्टोकेस्टिक आरएसआई भी आपको जो है बाई का सिग्नल दे रहा है, तो आप ऐसे में यहां पे बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो कुछ है, जैसे मैं ज्यादा डिटेल में अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में बात करता हूं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, दोनों का नंबर अलग अलग है, और आप वहां सीख के फ्रेंड्स इसी तरीका से, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग की बात हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग की बात हो, बहुत ही आसान तरीका से आप वहां से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स और इसको बात करता हूं, ठीक है, आप एक बस आपको करनी क्या है, आपको एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस को आपको फिल्टर करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं, आपको एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस को फिल्टर करके और आपको सारी चीजें करनी है। जैसे आप यहां पे देखिए, आप थोड़ा इसको देखिए, यहां पे आप फ्रेंड्स आप देखिए आरएसआई कैसे नीचे जाते जा रहा है, नीचे जाते जा रहा है, राइट, और आपका ध्यान से देखिएगा कि एक यहां पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस है या नहीं है, देखिए कितना अच्छा है, एक ही बार प्राइस कितना बार इसको टेस्ट कर रहा है, आप ध्यान से देखिए, आपको एक ही बार तो एक रेजिस्टेंस है, आपको अच्छा डाइवर्जेंस दिख रहा है, तो सर इससे अच्छा और क्या हो सकता है सेलिंग करने का, इसके अच्छा और क्या हो सकता है कि आपका डाइवर्जेंस है, आपको स्टोकेस्टिक आरएसआई भी बता रहा है। तो ये जो टेक्निक है कि सपोर्ट पे बाई और रेजिस्टेंस पे सेल करने का, सबसे अच्छा एग्जाम्पल में से एक है। आपको इस तरीका से देखना पड़ेगा कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, किस तरीका से डाइवर्जेंस बना रहा है, और आपको ये सारी चीजें डिटेल में सीखनी है, इस पे इंप्लीमेंट करनी है। अगर आप इंप्लीमेंट सीखना चाहते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे ये सारी की सारी चीजें बहुत बारीकियां में और डिटेल में और लॉजिक के साथ, मैं कोई इमोशन और कोई नहीं, मैं लॉजिक देता हूँ और लॉजिक के साथ वहां पे मैं बताता हूँ कि मेरे को क्यों बाय करना है, हम लोग को क्यों सेल करना है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं। और मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में फ्रेंड्स मैं देता हूं वर्क फ्रेम, वर्क फ्रेम जो होता है उसी के अंतर्गत हम लोग काम करते हैं और वहां से प्रॉफिट बनाते हैं। ऐसा नहीं कि बस हम लोग हाई ब्रेक किया, लो ब्रेक किया, तो इसका तो हाई ब्रेक किया है ना, यहाँ पे सेल करते तो हम लोग यहाँ पे
जब भी आप एक डाइवर्जेंस देखते हैं, डाइवर्जेंस किस तरीका से आपको बिना इंडिकेटर का, विदाउट इंडिकेटर आप पहचान लेंगे कि यहाँ पे डाइवर्जेंस है, इस तरीका के मैं अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो बताता हूँ। फ्रेंड्स थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं, एक आध एग्जाम्पल और थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये सिंपल सा फंडा है, यहाँ तो मैं लिख के रखा था, चलिए और मैं देखता हूँ, और मैं देखता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे बाय। अब थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे बाय क्यों, अब थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे बाय क्यों, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत ही, ये मेरा वीडियो जो है ना आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि इसी चीज को लोग खोज रहे हैं, लोग को मिल नहीं रहा है, और मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारा फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो वहाँ पे भी मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ, उसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देखिए ये कितना अच्छा एक क्या है फ्रेंड्स, बताइए आपको देखने के से पता चल रहा होगा, क्या था सपोर्ट, राइट ये क्या था सपोर्ट। अब ये सपोर्ट यहाँ पे क्या बन गया, ठीक है यहाँ पे ये गया, यहाँ से ये बना रेजिस्टेंस इसके लिए, फिर ऊपर गया, फिर से इसको ब्रेक करा, फिर से इसको ये बन गया सपोर्ट। तो यहाँ का जो इसका रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस दो बार यहाँ पे जो लगाया, इसको यहाँ पे ब्रेक किया और फिर से आया, ये सपोर्ट बन गया, और यहाँ से फ्रेंड्स आपको बाय करने का मौका आसानी से मिल जाता है। आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, सेल करने का एक और रीजन है, क्योंकि फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा तो इधर का जो RSI और यहाँ के RSI में अंतर है, डाइवर्जेंस है, और आपका स्टोकेस्टिक RSI भी बता रहा है कि सेल कीजिए, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो मेन बनने का मतलब है फ्रेंड्स बताने की, जो एक शॉर्ट में समझा जाए तो चेंज इन पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीका के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग करने में। अगर आपको कोई भी ब्रेकआउट होने के बाद आके सपोर्ट लेता है या ब्रेकआउट के बाद जाके रेजिस्टेंस लगाता है, तो एक अच्छा चांसेज होता है हम लोग को वहां पे पुल बैक एंट्री बना के सपोर्ट पे बाई या रेजिस्टेंस पे सेल करने का, एक बहुत अच्छा मौका हम लोग को मार्केट देता है। और इसी चीज को आपको जो है, इसी चीज को हम लोग को आगे बात करनी है, और इसी चीज पे हम लोग को सारी चीज को सीखनी है, इसी, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलिएगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम 24 घंटा के अंदर उसको बताने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे पहले वीडियो को देखे हैं, उसको लाइक किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं आपको आज इस वीडियो में रिकमेंड करने वाला हूँ कुछ वीडियो, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो बाय ऑन बॉटम, जो बॉटम पे बाय करने का, और सेल ऑन जो होता है टॉप पे सेल करने का, जो आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और हमारा प्लेलिस्ट पे आइए, और जो मैं बात किया डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी का या डाइवर्जेंस किस तरीका से वर्क करता है, तो आइए यहाँ पे है, यहाँ पे वीडियो है, सारी के सारी वीडियो को देख लीजिए, और यहाँ से आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आज का वीडियो देखने के लिए फ्रेंड बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।